देश के तीन राज्यों में ऐतिहासिक जीत मिलने पर भाजपा द्वारा धर्मशाला के जोरावर स्टेडियम में आयोजित की गई रैली में भारी संख्या में लोग पहुंचे। इसी कड़ी में कांगड़ा के विधायक एवं भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष पवन काजल अपने साथ करीब 4000 लोगों को लेकर रैली में पहुंचे। पवन काजल ने कांगड़ा विधानसभा क्षेत्र से रैली के लिए करीब 51 बसें और इतनी ही छोटी गाड़ियां बुक करवाई हुई थी। पवन काजल ने कहा कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश नई ऊंचाइयां छू रहा है। भाजपा ने जो भी वादे किए थे उन्हें धरातल पर उतारा है, इसीलिए आज लोगों में भारी उत्साह है और लोग भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के स्वागत के लिए भारी संख्या में यहां पहुंचे हैं। ऐतिहासिक दिन आज भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है यहाँ पहुँचे और आप भी भारी जो संख्या में लोगों को लेकर यहाँ पहुँचे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे, किस तरह देखते हैं इस दिन को? ये जो संख्या आप देख रहे हैं, ये जो बसों में भर भर के जो जनता आ रही है, ये जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो पूरे भारत को एक विश्व के मानचित्र पर लाकर खड़ा किया है, इसलिए जनता आ रही है। उन्होंने जो जो वादे किए थे, चाहे राम मंदिर का 370 का था, तो आज आपके सामने ही है जनता कितने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी आ रहे हैं उनके दीदार के लिए यहाँ से। इस मौसम में, बारिश के मौसम में, बारिश तो नहीं बादल के मौसम में, ठंड के मौसम में कैसे कैसे अपने अपने घरों से उनके दीदार के लिए यहाँ आए हुए हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कांगड़ा विधानसभा की यही जनता है जिन्होंने मुझे 19,834 वोटों की लीड जिताकर मुझे इतनी लीड दिलाई थी। तो इनको मैं आंखों में बिठाता हूं, इनको दिल में रखता हूं, इनको नज़र नहीं लगाता हूं। तो ये आज सब दीदार के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी यहां पे आ रहे हैं उनके स्वागत के लिए, उनके अभिनंदन के लिए यहां पर आए हैं हजारों की संख्या में। और राष्ट्रीय हमारे जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं राजीव बिंदल जी ने हमें जो आंकड़ा दिया था कि आप इतने संख्या लेकर रैली में पधारना, तो जो संख्या हमें बताई थी उसको पार करते हुए आज हम दल बल सहित यहाँ पर आए हैं। बाकी जनता तो आप देख ही रहे हैं। कितनी बसें सर लेके आए हैं? और हमारी जो 52 बसेज हैं वो बड़ी हैं और 61 जो है वो छोटी बड़ी गाड़ियाँ हैं। तो कुल मिलाकर जो संख्या हमारी 3200 के पार ही है यहाँ पे आई है। तो ये बोलने वाली बात नहीं है, आप खुद ही कैमरा लगा के देख लेना। और ये जनता का प्यार है, जनता का प्यार है। और जनता, आपको पता है कि मैंने अलग अलग शिमलों पे यहाँ पे लड़ा हूँ, पर मैंने जनता की लड़ाई के लिए चाहे कहीं भी रहा, पर इसमें जो आपको पता है पिछले जो मैंने दूसरी पार्टी में, इस पार्टी में इसलिए आया कि पूरे देश में जो दूसरी पार्टी है वो ख़त्म होने के कगार पर है। और भारतीय जनता आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और बच्चा बूढ़ा जवान जो है नरेंद्र मोदी और भाजपा के साथ है, आदरणीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी के साथ है। लोकसभा चुनाव का आगाज भी आज एक तरह से यहाँ से होगा, क्या उम्मीद कर रहे हैं लोकसभा चुनावों को लेकर? और कितना इस बार तो उम्मीद थोड़ी है, उम्मीद से ऊपर है। इस बार जो आंकड़ा होगा वो 400 के पार होगा और हिमाचल में तो 4-0 जैसे पहले होता था, इस बार भी होगा। पर ये है कि लीड कितनी होती है, मतलब इसमें बोलने की बात नहीं है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और आदरणीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी और भारतीय जनता पार्टी भाजपा की जो केंद्र की सरकार है, जिन्होंने जो काम किया देश के लिए, देश का नाम जो रोशन मतलब एक मुकाम तक पहुंचाया है, जनता सब समझ रही है। इसीलिए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, जगत प्रकाश नड्डा जी और भाजपा को लोग वोट करेंगे, मुझे ऐसा लगता है।